घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर वालों ने कहा कि बेटा बीटेक करके चाय बेचेगा, तो माँ बाप भाई बहन सपना टूटा नहीं? परिवार लोग तो ताना देगा ही ना, हित जन सब ताना देता ही है, क्या तुम्हारा बेटा थी इतना पैसा बर्बाद भी कर दिया, कहीं अच्छी भी नहीं हुआ, बहुत तरह से बात सुनने को मिलता है, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना है ना अपने लिए। रिज्यूम बनाकर हर एक कंपनी में ठोकर खाते गए, इधर उधर, कभी वहाँ कॉल जाएगा, कभी वहाँ बुलाएगा, कभी अति, कहीं कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में फिर अपना चुनाव गरीब का है ही नहीं, पैसे वाला का चुनाव टिकट में दूधू को टिकट कैंसिल कर दिया गया, गरीब का चुनाव है ही नहीं। लालटेन है तो इधर सर देखिए, ये नरेंद्र मोदी है, 2014 में 15 साल का पाठ जो है वो कबाड़े में बेचे जाते हैं, अब इस बार कबाड़े में बेचने का काम औरंगाबाद की जनता करेगी। शादी में रिज्यूमे में क्या लिखा जाएगा कि लड़का चाय बेचता है कि लड़का पीते? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत सारी दुकानों के आपने नाम सुना होगा, बीटेक चाय वाली, तो पत्रकार पोहे वाला, बहुत सारी ऐसी दुकानें। तो ये तस्वीरें बेरोज़गारी को बयान करती हैं क्या? तो जब मैं जीटी रोड से गुजर रहा था तो मेरी निगाह पड़ी बीटेक चाय वाला, ये औरंगाबाद शहर से बाहर निकलने का रास्ता है, तो मेरी दिलचस्पी जगी कि क्या वाकई बीटेक करके लोग चाय बेच रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी आई थी कि आईआईटी में भी लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा 100%। तो आईआईटी के बच्चों का जब प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो फिर जो छोटी जगहों से बीटेक करते हैं या बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती होगी, उसका सबूत है ये। क्या नाम है साथी आपका? मैं सोनू कुमार नाम हुआ। सोनू जी, आपने सच में बीटेक किया है? जी, सीएससी ब्रांच था। अच्छा, सीएससी मतलब फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से बीटेक, और नौकरी नहीं मिली? जिस दिन कॉलेज में प्लेसमेंट था ना, उसी घर में पापा एक्सीडेंट कर गए थे, फिर हम नहीं प्लेसमेंट में नहीं मिला। बाद में तो कुछ हुआ होता है? बाद में भी बहुत ट्राई किए, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? नहीं। 2 करोड़ रोजगार में नंबर नहीं आया? नहीं ना आ रहा। काहे? पता नहीं। तो फिर चाय वाला आइडिया कैसे आया? पटना वाले उससे? जब अथी शरीर पे जब अथी आ जाता है ना, घर परिवार का अथी चलाने के लिए, तो कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, बैठ कर कब तक क्या करेंगे। कहाँ से बीटेक किया था? ये यहीं पर औरंगाबाद से, एसआईटी सिटी ऑफ प्रिंस बीटेक किया था जी। अच्छा, तो कितना फीस दिया था बीटेक करने के लिए? कितने साल का था? 4 साल। 4 साल में फीस कितनी थी? कम से कम 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख रुपया फीस चुका दी? नहीं, 4-4.5 लाख रुपया फी था, और खर्चा फीस किताब कॉपी किताब कॉपी। हाँ, और उसके बाद बेचना पड़ रहा है चाय जी। तो पहली दफ़ा जब सोचे कि अब नौकरी नहीं मिलेगी, चाय बेचनी पड़ेगी, तो कैसा लगा? फर्स्ट बार में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मगर फिर देखे कि जब जिस परिवार की जिम्मेवारी आया, तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर बाहर भी जाते तो इधर उधर रिज्यूम बनाकर हर एक कंपनी में ठोकर खाते गए, इधर उधर, कभी वहाँ कॉल जाएगा, कभी वहाँ बुलाएगा, कभी अति, कहीं कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में फिर अपना अथी किए। तो ये सड़क किनारे चाय बेच लीजिए जी, कितनी आमदनी हो जाती होगी? हो जाती है लमसम 30-35 हो जाती है महीने में जी। तो 7 लाख रुपए की फीस और 4 साल की पढ़ाई, और इसके बाद 30-35 हज़ार रुपये, वो भी बड़ी मुश्किल से जी, है ना जी। तो ये ऑथराइज्ड दुकान तो है नहीं, ये तो सरकारी है, सरकारी जमीन जी। तो फिर पुलिस वाले भी आते होंगे, तंग करते होंगे, कुछ हफ्ता देना पड़ता होगा? नहीं, अभी यहाँ पे हफ्ता का बात, यहाँ अभी नहीं हुआ। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर वालों ने कहा कि बेटा बीटेक करके चाय बेचेगा, तो माँ बाप भाई बहन सपना टूटा नहीं? परिवार लोग तो ताना देगा ही ना, हित जन सब ताना देता ही है, क्या तुम्हारा बेटा थी इतना पैसा बर्बाद भी कर दिया, कहीं अच्छी भी नहीं हुआ, बहुत तरह से बात सुनने को मिलता है, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना है ना अपने लिए। तो वही चाय वाला रास्ता। शादी हो गई है? नहीं, शादी में नहीं हुई है। नहीं। तो शादी में रिज्यूमे में क्या लिखा जाएगा कि लड़का चाय बेचता है कि लड़का बीटेक है? लिखाएगा तो बीटेक ही, मगर जो आके देखेगा तो यही ना देखेगा। तो इतना बड़ा बड़ा क्या इधर आइए, इतना बड़ा बड़ा बीटेक लगा दिया, सर्टिफिकेट भी लगा देते हैं। क्या चाचा क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि मोदी जी कहवे करते हैं कि बीटेक वाले देखिए नहीं तो रोशनी नहीं आएगी, पढ़ा लिखा लोग चाय बेचे तलवा चले, है ना। इसलिए देश के साथ बेरोजगारी जो समस्या है ये बहुत ज्यादा समस्या है। और जब तक रोजगार हार जानते हैं, एक लड़का बेचारा थक थक के इन्होंने अपना चाय दुकान किया, हम लोग बैठ के इसको गाइडलाइन करते हैं, चला रहा है अपना परिवार किसे तो भरण पोषण। देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी तादाद बढ़ते जा रहा है, इन्होंने कहा था कि 2 लाख पर ईयर, 2 करोड़ पर ईयर देंगे, ये 200 भी नहीं दे पाए। चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? बहुत बढ़िया भाषण है। हम सब कुछ करते हैं तो कोई देश समाज के साथ चुनाव गरीब का है ही नहीं, गरीब का है ही नहीं, चुनाव गरीब का है ही नहीं, पैसे वाला का चुनाव टिकट में दूदू को टिकट कैंसिल कर दिया गया, गरीब का चुनाव है ही नहीं। यानी लालटेन है तो इधर सर देखिए, नरेंद्र मोदी है 2014 में हम लोग मोदी का समर्थन में है, लेकिन औरंगाबाद से सुशील के समर्थन में नहीं है, हम जात का राजपूत हैं। अच्छा जी। और हमको तो हम 2014 में इनको बहुत तरह से सिन्हा कॉलेज मोड़ से बहुत विजयी कराया था। अच्छा। अब मोदी को प्रधानमंत्री ही बनाया था। हाँ। लेकिन ऐसा कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को इन्होंने चिन्हने का काम नहीं किया। ये कंट्राडिक्शन दिखाइए कि इधर नरेंद्र मोदी, इधर इधर सुधीर मोदी है। अच्छा, मेरा आधार कार्ड भी देख लिया जाए, इधर सुधीर मोदी, मेरा सुधीर मोदी, इधर सुधीर, आपका नाम सुधीर है, सुधीर है, मेरा आधार कार्ड भी देख मोदी लगा लिया जी, हम नाम में मोदी भी चेंज कर लिए, लेकिन के प्रभाव में मोदी, देखिए इधर सुधीर सिंह है, आधार कार्ड देखिए मेरा, इनका नाम सुधीर सिंह है, इसको नंबर छुपा देते हैं, नहीं नंबर दिखा दीजिए, छुपाना कुछ नहीं है, सुधीर सिंह इनका नाम है, लेकिन हम मोदी में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन छोटा कार्यकर्ता को चिन्हा नहीं गया, सुधीर मोदी कर लिया और कमल का फूल बीच में, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे दिखाइए, अच्छा अब हमने 1 नंबर में लालटेन रहेगा और रहेगा बिहार में बहुत, और हमने 2.5 लाख से जीतने जा रहे हैं, छोटा मोटा जीत नहीं करने जा रहे हैं, तो इधर सुधीर मोदी, इधर नरेंद्र, 14 में ही लिखाया गया है, बीच में कमल का फूल, हमारी भूल भूल, अच्छा औरंगाबाद से भूल, अच्छा हाँ औरंगाबाद से भूल, इसलिए कि नीतीश कुमार को आपने मिलाया, वही नीतीश कुमार ने महिला के लिए क्या बोला था, अरे वो सब ठीक है लेकिन, हाँ तो वो कट रहे हैं, विकास में तो हिस्सा मिला, विकास में कोई हिस्सा नहीं है, क्या करते हैं आप, हम ड्राइवरी करते हैं, अच्छा हम तो नीतीश कुमार के जब से सरकार है तब से हम पिकअप चलाते हैं, हाँ। और 50-100 बांटते थक जाते हैं, तो पहले लेकिन पैसा शुरू से 11 से 3 साल टाउन थाना में औरंगाबाद ड्राइवरी किए हैं, अच्छा जब बहाली नहीं हुआ था तो पहले भी वही करते थे, अभी भी हम वही कर रहे हैं, तो हमने कमा के खाते हैं, बोरा ढो के भी खा लेंगे, लेकिन सुशील को हराएंगे, अच्छा और जब तक सुशील को हराएंगे नहीं तब तक घर जाएंगे नहीं, ये लेकिन ये तो गड़बड़ है ना यार कि गोदना गोदवाए हुए, हाँ जी जी मोदी रहेंगे देश में, मोदी रहेंगे, हाँ। लेकिन औरंगाबाद में सुशील नहीं रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता, अरे मोदी का गारंटी है लेकिन सुशील का वारंटी भी नहीं, 15 साल के पास का वारंटी होता है सर, 15 साल का पास जो है वो कबाड़े में बेचे जाते हैं, अब इस बार कबाड़े में बेचने काम औरंगाबाद की जनता करेगी, अरे बाप रे बाप, तुम तो बहुत भारी पॉलिटिशियन हो, ये पकड़ो अपना आधार कार्ड पकड़ो, ये तो चाय वाला आइडिया है, ये यही करोगे या नौकरी के लिए कोशिश करोगे, कुछ और करोगे? नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस बार एसआई का रिजल्ट भी हुआ था मेंस में, तो बीटेक किया उसके बाद चाय बेची उसके बाद दारोगा के लिए दौड़ रहे, हर एक चीज में अप्लाई कर रहे हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत के लिए? देखिए अगर सरकार बहाली निकाले ठीक है, अगर नंबर कम करते इस बार मैं अप्रैल में ज्वाइन कर लेता ठीक है, पर साल 65 नंबर पर एसआई का अति सिलेक्शन हो गया था, इस बार उसको बढ़ाकर 80 नंबर कर दिया, मेरा 72 नंबर आया उसमें, 8 नंबर से 6 आ गया, लेकिन कोशिश जारी है, हाँ कोशिश जारी है, तो मतलब नौकरी चाहिए ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, बस नौकरी चाहिए ये मजबूरी है ना, इससे कब तक क्या होगा? कुल मिलाकर हालात बहुत भयावह हैं, रोजगार के मोर्चे पर तो है ही, जितने सारे लोगों से बात करिए वो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं तो भी, विरोधी हैं तो भी, वो इतना ज़रूर कहते हैं कि अगर नौकरी दे सकते तो बेहतर बात होती, लेकिन लड़ाई इसी बात की है बिहार में कि जो 2 लाख के आसपास वैकेंसीज आई थी उसमें हिस्सा किसका है, तेजस्वी उस पर अपना क्लेम करते हैं और नीतीश कुमार अपना क्लेम करते हैं, और इसमें बीच में नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बचता नहीं है क्योंकि उनके क्लेम करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो साझी सभाएं थीं उससे नरेंद्र मोदी को बड़ी असहजता महसूस होती थी,
क्योंकि नीतीश कहते हैं कि सड़क हमने बनाई, हमने हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होने दिया, नौकरी हमने दी, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोलने आते हैं तो उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो इसीलिए तय हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो संयुक्त सभाएं हैं वो सीमित की जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए वो एक अनकंफर्टेबल स्थिति होती है। तो आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा में बड़ी दिलचस्प चीज़ आपने देखी, इधर नरेंद्र मोदी, इधर सुधीर मोदी, और दिल पर जो है राष्ट्रीय जनता दल। तो भारत जो है वो केवल न केवल विविधताओं का देश है बल्कि वो विरोधाभासों का भी देश है। तो इस देश को हम समझते हैं, यात्रा जारी है। नमस्कार।